नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। रोहिंग्या की अगर हम बात करें तो जम्मू में एक बड़ा मुद्दा जो है वो रोहिंग्या रहे हैं और काफ़ी धरने प्रदर्शन यहां पर हुए और रोहिंग्या को जम्मू से बाहर निकालने की बातें भी की गई। और कुछ देर पहले तक अगर हम बात करें तो जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन सरकार थी तब भी आवाज़ें यहां पर उठी जोरों से कि इनको यहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन उनको यहां से बाहर नहीं किया गया। सिर्फ राजनीति जो है वो इस मुद्दे पर काफ़ी होती रही, लेकिन अंततः कोई जो फैसला था वो इन पर नहीं लिया गया। और इस समय मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि भारत रक्षा मंच की तरफ से, इनसे हम जानेंगे, पूछेंगे कि क्या है इनका जो आज का प्रदर्शन, क्योंकि कुछ देर पहले तक यहाँ पर एक प्रदर्शन जो था वो भी चल रहा था रोहिंग्या को लेकर। सर, आपका नाम? सतपाल हिंदू मेरा नाम है जी। सतपाल जी, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार रोहिंग्या को जम्मू से बाहर करने की मांग जो है वो आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए सर, ऐसा है कि जो रोहिंग्या का मसला है वो भारत रक्षा मंच काफ़ी अरसे से उठा रहा है और उसके ऊपर ज्ञापन भी दे चुके हैं, इतने गवर्नर साहब को दिया गया है, सरकारी डीसी साहब से भी मिल चुके हैं इस बारे में कि रोहिंग्या को चिन्हित करें और चिन्हित करके कम से कम एक संख्या पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं। जैसे एक परसों की घटना है, आधी रात को 2 बजे के बाद पूरी मराठा की बस्ती जलाई जा रही है, और किस वजह से वो कहते हैं कि जहाँ पे पेट्रोल की डंपिंग हो रही और साथ में वहाँ पे आके धमकी दे रहे हैं कि हम आपको फिर जला देंगे। देखिए, जिस तरह से ये बस्ती जली, 350 से 400 के बीच में वो जुगीज जो थी मराठा बस्ती में वो जलाई गई, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं रोहिंग्याज पे? बिल्कुल आप सर, आरोप लगा रहे हैं ना, आपके पास कोई तथ्य हैं इसके? सर, इसके बारे में अभी 3-4 चैनलों में, जब हमें तो सिर्फ इसी बात से पता चलता है जैसे आप लोग लिखते हैं, आप लिखते हैं, हमारे पास साक्ष्य है कि लिखा हुआ पेपर में है कि ये विश्लेषण आपने करा है, ये हमने, हम हमारे पास वही आउटपुट आती है जो आप देते हैं, हमारा कोई इंटेलिजेंस में कोई ऐसा है नहीं कि जो हमें दे देगा कि ये भाई ऐसे पे हुआ है। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रोहिंग्या एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, उनको बाहर करने की बातें की गई लेकिन आश्वासन दिए गए, अभी तक इस सभी पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुआ है, सर क्या कहें? देखिए, मेरा नाम है पीरस्तोगी, प्रचार व प्रसारक प्रमुख भारत रक्षा मंच जैन के। देखिए, जैसे आप बता रहे रोहिंग्या मुद्दा बना हुआ, ये एक हफ्ते पहले का मुद्दा नहीं है, ये पिछले 12 सालों का मुद्दा है। ये भारत को एक प्रकार से क्या यहाँ पर विद्रोह की नीति लानी है, जिस प्रकार से रोहिंग्याओं और म्यांमार और बांग्लादेशियों ने अपने वहाँ देश में करा, नरसंहार करा, जिसकी जो आदत होती है वो छूटती नहीं है, वो अब यही यहाँ पर शरणार्थी बन करके, शरणार्थी ना कहेंगे इनको, घुसपैठिए कहेंगे, जो ममता बनर्जी ने घुसपैठ यहाँ पर करा करके पूरे भारत के अन्य प्रांतों तक इनको फैला दिया है। अब ये शरणार्थी नहीं है, ये अपनी उल्टी सीधी नीतियों के द्वारा नरसंहार करने पे उतारू हुए हैं। मैं बोलूँगा कि जैसे कि हम सीधे होकर के बोलते हैं, लेकिन अब हमें सीधा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अब ये प्रोटेस्ट करने से और किसी चीज़ से यहाँ के राष्ट्रवादियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रजातंत्र सरकार तंत्र भी केवल वोट तक ही राजनीति तक सीमित रह जाती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरह से पहले यहाँ पर सरकार जो थी, भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसके बाद जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई तो एक लोगों को उम्मीद जगी क्योंकि उन्होंने वादे किए थे इस तरह के, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुद्दा ये वहीं का वहीं पर रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसा आपने खुद ही अपने अधोमुख वर्णित करा कि कांग्रेस की सरकार में रमन भल्ला जी ने खुद ही भटिंडी हो गया, सुंजवा के पीछे के रास्ते हो गए, जो सुंजवा आर्मी कैंप में भी हमला जब हुआ था तो उसमें भी रोहिंग्या लिप्त थे। ये अलग अलग नीतियों के द्वारा प्रजातंत्र को भी ये नुकसान कर रहे हैं, राजतंत्र तो नुकसान हो ही रहा है, और जो यहाँ के युवक हैं उनको भी पीड़ित हो रहे हैं, ये चोरी भी करते हैं। और अभी जैसा कि कांग्रेस की सरकार में केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए रमन भल्ला और यहाँ के कुछ लीडर्स ने यहाँ पर बसा करके रखे थे इनको, रोहिंग्याओं को, और इनको क्या है कि ये एक कैटलिस्ट देने का काम कर रहे हैं। जब ये नरसंहार के रूप में विलुप्त हैं तो इन्होंने ही अभी परसों हुई जो आगजनी है उसमें आपके मीडिया तंत्र के द्वारा ही हमें पता लगा है, जैसा कि आप लोगों ने ही शोध कराया उसके ऊपर कि रोहिंग्याओं ने इसमें इनका पूरा हाथ है। और कुछ और लोगों से भी हम बात करें। सर, जिस तरह से काफ़ी धरने प्रदर्शन पहले भी होते रहे रोहिंग्या को लेकर कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए, तो आखिर आप इस तरह के धरने प्रदर्शन जो है ये कब तक करते रहेंगे? कब आपको लगता है कि आपकी मांग जो है, जो जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की ये मांग है कि इनको यहाँ से बाहर किया जाए, ये पूरी होगी? देखिए, राष्ट्रवादी लोगों का विश्वास जो है
वो थोड़ा उठता जा रहा है, क्योंकि एक वर्ष पूर्व की जब बात करें तो केंद्र सरकार से ये कहा गया था कि जल्द। और यही रोहिंग्या की जो बात करेंगी, शायद ज्ञात होगा कि बड़ी संख्या में पैसा इनसे बरामद हुआ था और आर्म्स भी इनसे बरामद हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो कल की जो बात मैं करूंगा कि जो मराठा बस्ती में, और यही मराठा बस्ती है जिसके नाम पर शिवसेना हिंदुस्तान महाराष्ट्र में आग लगाने पर उतारू हो जाती है, आज क्यों वो चुप हुए हैं जम्मू में जब मराठा बस्तियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और खुद मैंने मीडिया में सुना है जो बस्ती के प्रधान थे वहाँ पर, इन रोहिंग्याओं ने स्पष्ट तौर पर उनको धमकी दी है कि वो यहाँ से नहीं करेंगे तो इनको दोबारा आग के हवाले किया जाएगा। वो वहां पर गाड़ियों की मांग कर रहे हैं, हमने देखा है मीडिया में कि हमें गाड़ी की व्यवस्था करी जाए, हम यहां से प्लान कर देंगे। ये क्या स्थिति बन रही है, कहां प्लान करवाना चाहते हैं उनको और किनको वहां पर बसाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को चाहिए और राज्य के जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी चाहिए, वो रोहिंग्याओं का अब जो जख्म है वो ज्यादा देर तक अब जम्मू लोग सहन नहीं करेंगे। हम इस पर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे जिसकी अगुवाई भारत रक्षा मंच जम्मू के पदाधिकारी सब करने वाले हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय की बात करें तो रोहिंग्या जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ चोरी की वारदातों में भी वो सामने आए और कुछ रोहिंग्याज ऐसे थे जिनसे लाखों की संख्या में जो पैसे थे वो भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए थे, कुछ और लोग जो हैं इनसे भी हम बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित बजरंगी। सर जिस तरह से काफ़ी पिछले समय से देखा जाए तो रोहिंग्या जो हैं वो कुछ वारदातों में वो शामिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इन पर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कहना हमें दुख होता है कि आपका जैसे एक प्रश्न था कि आप कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के दायरे में रह के ही हम अपना विरोध। क्या सिर्फ आपके प्रदर्शनों से ये काम होगा, क्या आप किसी से मिले इस संबंध को लेकर? हमारे जो ज्ञापन है, हमारे जो संगठन का जो गठन है उसका उद्देश्य यही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठी, जो अवैध तरीके से भारत की अलग अलग सीमाओं से जो हमारे देश में जिन्होंने घुसपैठ की है उनको चिन्हित किया जाए। आपको ज्ञात होगा कि असम में NRC की जो मांग उठी थी ये भारत रक्षा मंच का ही मसौदा है जिसको सफलतापूर्वक असम में लागू किया गया। हमने पूरे देश में अलग अलग प्रकार से, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे लोगों को अपने क्या मशाल रैलियां हो, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को जागरूक करते आए हैं कि ये लोग आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। और आपको ज्ञात होगा कि पीछे मीडिया के बंधुओं पे भी अटैक हो चुका है, अब इससे बड़ी समस्या जो फोर्थ पिलर ऑफ जो कहते हैं हम सोसाइटी का, अब उस पर भी अटैक होना शुरू हो गया। अब तो ये ओपनली, ये जो कल परसों जो मराठा बस्ती में जो हुई है घटना, ये तो ओपनली धमकी हो गई है। और सबसे संवेदनशील जो जगह हैं उन पर ये लोगों का बसेरा इन्होंने बसाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं ये ऑयल डिपो जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर की तेल की सप्लाई होती थी, ये तो माता रानी का ही कोई आशीर्वाद रहा है। हमारी जो जम्मू जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये कोई देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा कि कोई अनहोनी होने से बच गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली तो हुआ, जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी यही मांग रहेगी कि हम धरने प्रदर्शन जो हैं राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी तरीके से करेंगे, ना हम किसी पर पत्थर बरसाएंगे, ना हम बंदूकें उठाएंगे, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून के दायरे में रह के ही हम काम करेंगे। और रही बात आपने जो अभी प्रश्न किया कि कब तक, जब तक इनको यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाता। प्रदर्शन के आंदोलन के अलग अलग रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, हम अलग रूप लेंगे, अलग स्वरूप लेंगे, हो सकता है हमारा आंदोलन उग्र भी हो अगर इनको जल्दी से जल्दी यहाँ नहीं निकाला गया। और ये मीडिया बंधुओं को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर आप पे हमला हो रहा है तो आम जन कितना ही सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जी हाँ, ये कुछ भारतीय रक्षा मंच के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रोहिंग्या जो हैं उनको जम्मू से बाहर करने की। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जो रोहिंग्याज हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं और काफ़ी जो वारदातें हैं उनमें वो शामिल रहे हैं, और कई रोहिंग्याज लोग ऐसे थे जिनसे लाखों की संख्या में पैसा जो था वो बरामद किया गया। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर रोहिंग्याज लोग जो हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? सरकारें यहाँ पर रही, आश्वासन जरूर दिए गए लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कुछ देर पीछे चले तो जब मीडिया के लोग वहां पर कुछ अपनी कवरेज करने गए थे तो रोहिंग्या द्वारा उन पर भी हमला जो है वो किया गया था और बड़ी वारदात वो वहां पर अंजाम देते अगर मीडिया के लोग वहां से ना निकलते। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो मीडिया के लोग हैं उन पर जो हमला हुआ था उस पर भी कार्रवाई तो अभी चल रही है, लेकिन कितनी जल्दी जो रोहिंग्याज हैं उनको जम्मू से बाहर जो है वो निकाला जाता है, जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, मगर आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन। नमस्कार।